को आपने पूरा देखना है ताकि वो चीजें आपको पता चल जाए। अगर आप वो चीजें कर लेते हैं तो फिर आपका एडसेंस बैन हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, जाके इसको गूगल के कैमरे में सर्च कर लें, पाकिस्तान में जो है अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ टेंशन नहीं लेनी कि पाकिस्तान में आपने इसको किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 क्लिक्स के ऊपर गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो लॉडिंग का मेथड मैं आप सभी को बताने वाला हूं, मैं ग्रंटेड कह सकता हूं कि वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी और ना ही आपको प्रूफ शेयर किए होंगे। गाइज मैं आपको आज की इस वीडियो में ट्रैफिक आर्बिट्रेज का बताने वाला हूँ। अब वो हम करेंगे गूगल एडसेंस के ऊपर, मैं आपको हर चीज लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं इस वीडियो में कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। गाइज मैं चाहूं तो इस वीडियो को अपनी तरफ से भी बना सकता हूं कि ये सारी चीजें मैंने की हैं, बट नहीं गाइज, ये लेटेस्ट एक तरीका है, एक वे है जो मेरे हाथ लगा है, मेरा दोस्त कर रहा है, उससे मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है, उससे सारे मैंने प्रूफ लिए हैं, सारे रिजल्ट लिए हैं और मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को मैं तो ट्राई करूंगा। इंशाल्लाह आज से मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, बट सोचा पहले आप सभी के साथ शेयर कर दूं ताकि मेरी ऑडियंस भी मेरे साथ मिलके यहां पे इस चीज के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मिस्टर श्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देना चाहता हूं। ये मेरे दोस्त के एडसेंस का यहां पे स्क्रीनशॉट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप यहां से स्क्रीनशॉट लें, जाके इसको गूगल के कैमरे में सर्च कर लें कि कहीं ये जो स्क्रीनशॉट है वो इंटरनेट से तो नहीं लिया गया, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है मेरे दोस्त ने मुझे सेंड करा है। अब यहाँ पे उसने जो दिन एक दिन की यहाँ पे जो अर्निंग किया वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1360 है, सही है 1300 यानी 1360 यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं एडसेंस में आज के, मतलब डॉलर उसने जो बनाए हैं। उसके बाद 750 हैं, उसके बाद यहाँ पे 749 है, सॉरी 94 है। उसके बाद यहाँ पे दिस मंथ की जो अर्निंग है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। अब जो मजे की चीज यहाँ पे आती है, पेज व्यूज आप देखें और क्लिक्स देखें, 600 क्लिक्स के ऊपर उसने ये जो अर्निंग है वो की है और साथ में सीपीसी जो उसका आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अब कौन सा ऐसा नेटवर्क है गाइस जो आपको ट्रैफिक आर्बिट्रेज के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो अमाउंट दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। अब इसको यूज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि वो चीजें आपको पता चल जाए। अगर आप वो चीजें कर लेते हैं तो फिर आपका एडसेंस बैन हो सकता है। तो कुछ मेंटेनेंस जो होती है वो आपको यहाँ पे रखनी पड़ती है, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और इन सारी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है और इसका सीपीसी जो मिल रहा है 8 क्लिक के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं 11 पेज व्यू है, 8 क्लिक्स हैं उसके ऊपर, ये उसको सीपीसी मिल रहा है स्वीडन के अंदर। अब कौन सा ऐसा ट्रैफिक आर्बिट्रेज जो है यहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम सीधा जाएंगे अपने यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर, उस ट्रैफिक सोर्स का नाम है taboola.com। अब taboola.com की अगर आप मंथली बेस की यहाँ पे अगर हम इसकी खुद की बात करें कि इसके ऊपर कितनी ऑडियंस आ रही है, तो सिमिलर वेबसाइट में जाके चेक कराऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस जो इसके ऊपर मंथली ट्रैफिक आ रही है वो तकरीबन 500 मिलियन ट्रैफिक है और तकरीबन जो ट्रैफिक आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील जैसी कंट्री से आ रही है। अब ये क्या करता है गाइस, यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एडवर्टाइजिंग ले भी सकते हैं। अब कैसे, आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, आप पब्लिश भी कर सकते हैं, बट मेरा जो काम है वो है ट्रैफिक आर्बिट्रेज का। अब ट्रैफिक आर्बिट्रेज कैसे होगी, बेसिकली ट्रैफिक आर्बिट्रेज है क्या, कोई भी एड नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो एडसेंस है, एड्स टीरा है, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई है, मॉन्टेज है, या फिर एडमोब, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे एड्स वाले नेटवर्क मिल जाते हैं। अब ट्रैफिक आर्बिट्रेज से क्या होगा कि हम कोई भी पेड ट्रैफिक जो हम किसी ट्रैफिक सोर्स से ले रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे हैं। अब गूगल एडसेंस जो है वो क्या करता है, अगर आप गूगल के ऊपर एडवर्टाइजिंग करते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस जो है वो अप्रूव है एंड आप गूगल को कहते हैं कि आप हमारी साइट के ऊपर एडवर्टाइजिंग करें एंड हम डॉलर कमाना चाहते हैं, तो आपको उस एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं मिलते, यानी वहाँ पर आपके, आपको ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो व्यूज तो मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे, आपकी क्लिक्स भी आएंगे, बट आपको अर्निंग नहीं होगी। बट ऐसा सोर्स
वो जो हमें तबूला दे रहा है वो नेक्स्ट लेवल का है, यानी एडसेंस के ऊपर भी हम तबूला से ट्रैफिक लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एडसेंस के अंदर जो है वो अर्निंग करेंगे। अब यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप तबूला से ट्रैफिक ले रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ से ट्रैफिक जो आपने लेके जानी है इसमें क्या होता है कि क्लिक्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, तो आपका जो CTR है वो मेंटेन रहे, उसके लिए आपको जो है वो आपकी ट्रैफिक ऊपर मिनिमम ट्रैफिक जो है वो होनी चाहिए ताकि आपका जो CTR है वो मेंटेन रहे। तो थोड़ी बहुत तो अब आप मैनेज कर लेंगे अपनी ट्रैफिक को जो है, अपनी वेबसाइट को आप इतना मेंटेन कर लेंगे कि आपकी ट्रैफिक के ऊपर थोड़ी बहुत जो है ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आनी चाहिए। ये जो ट्रैफिक देता है वो भी ऑर्गेनिक होती है, कोई इतना उसमें इशू नहीं होता। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखें इसको जो पार्टनरशिप में जो है पब्लिशर अराउंड ग्लोब जैसे इसको सपोर्ट कर रहे हैं उससे में US टुडे है, NBC है, उसके बाद बिजनेस इंसाइडर है, MSN है, याहू है, ब्लूमबर्ग है, उसके बाद CBS न्यूज़ है, ABC न्यूज़ है, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसको पार्टनरशिप में ले रही हैं, यानी ये उनके साथ पार्टनरशिप में है। उसके बाद एडवर्टाइज है, हाई इम्पैक्ट अवेयरनेस है, उसके बाद कंसिडरेशन है, उसके बाद कन्वर्शन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एडवर्टाइजिंग पे जाता हूँ, हाई इम्पैक्ट अवेयरनेस के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे ये देखें होम पेज के ऊपर कुछ इस तरह से ये कह रहा है कि रीच कंज्यूमर विद प्रीमियम वीडियो एंड इमेज एड प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये एड प्लेसमेंट का कह रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। करना क्या है, सिंपली कोई भी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो झंझट वाला काम नहीं है, सिंपली आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आपने पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि ये जो है अभी पाकिस्तान में जो है अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी कि पाकिस्तान में आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी मेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा आपका, कंट्री में आपने कोई सी भी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यूर कंट्री का कह रहा है रेजिडेंस, तो आपने कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान में आपका जो है ये नहीं आएगा। तो ये जो वेबसाइट का लिंक है वो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट किया हुआ, यानी मैंने पहले दिया हुआ था। उसके बाद कंपनी नेम ऑप्शनल है, मिस्टर शाह हमारे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद आपने लेट गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये क्या करेगा, आप गाइस लोडिंग कर रहा है, जब तक ये लोडिंग कर रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हम जो है इसके नेक्स्ट पेज पे जा पाएं। अब यहाँ पे आपका जो है वो कंपेन जो हम जो कंपेन चलाना चाह रहे हैं, यानी ट्रैफिक आर्बिट्रेज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का लिंक देना है। ये जो है ऐड के लिए आपके आर्टिकल को डिटेक्ट कर लेगा, देन आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब जो हमारे पास आता है वो मेन चीज़ यहाँ पे आती है। अब आपके पास एक अदद बैंक कार्ड होना चाहिए, यानी क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड जो हम बेसिकली हमारा होता है वो होना चाहिए। अब कह रहा है व्हाट इज़ योर कंपेन गोल, आपका गोल क्या है, आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, यानी ड्राइव लीड सच है ईमेल साइनअप्स, या फिर आप ऑनलाइन परचेजेस जो है यहाँ पे लेना चाहते हैं, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस को जो है यहाँ पे देना चाहते हैं, या फिर वेब इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, गेट मोर इंगेजमेंट पेज व्यूज ऑन योर साइट, तो ऑब्वियसली हमें वेबसाइट की इंगेजमेंट को जो है वो मेंटेन करना है, तो हम इसी को ही क्लिक करेंगे। अब कह रहा है आपका CPA गोल कितना है, तो इसको आपने वैसे रहने देना है। अब टारगेटिंग जो आ रहा है मेन चीज़, अब देखो गाइस यहाँ पे एक ट्रिक आपने आजमानी है, वो कौन सी, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो दोस्त के बताए हुए तरीके के मुताबिक बता रहा हूँ। अब आपने जब कंपेन चलानी है, जब आप कंपेन चला देंगे तो आप कंट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर सारी कंट्रीज़ को ट्राई कर लेना है, जिस कंट्री का CPC आपको अच्छा मिल रहा है आपने उस कंट्री को यहाँ पे लोकेट कर देना है। मान लो मुझे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से अच्छा मिल रहा है, या फिर मुझे जर्मनी से अच्छा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जर्मनी सिलेक्ट कर लूँगा। अब कह रहा है व्हाट प्लेटफॉर्म इज़ योर रेडी ऑडियंस यूजिंग, तो आपका जो ऑडियंस है वो क्या यूज़ करते हो, तो मैं क्या करूँगा मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये रिकमेंड करता है वो एक ही चीज़ करता है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई डेस्कटॉप ही सही है। उसके बाद आपका बजट कितना है, बजट में ये 23 तक तो इसका मिनिमम है, $23 तक, ठीक है। आप 23 से ऊपर आप जितना करें, आप अगर 30 भी लगा लेते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप $300 से $350-$400 जो है वो इन $30 से इजीली अर्न कर लेंगे। अब कह रहा है कॉस्ट पर क्लिक CPC जो जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, अब रिकमेंडेड यहाँ पे जो आपको कह रहा है वो भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे 18 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 80 सही है, 80 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कंपेन स्टेटस कह रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ कि कीप
paused until manually activated, payment only made when activated. कि मेरी जो पेमेंट है वो तब एक्टिवेट हो जब मैं इसको मैनुअली यहाँ पे आके स्टार्ट करूँ. नेक्स्ट कर देना है. नेक्स्ट करने के बाद अब मेन चीज आती है आपके सामने. अब क्या आता है, अब यहाँ से आपका आपकी कार्ड डिटेल मांगेगा. अब यहाँ पे देखें आपका जो ऑफिस वगैरह और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांग रहा है. अब क्योंकि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया था तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड ही सिलेक्ट करनी पड़ गई. अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड देना है. मेक श्योर कर लेना कि आपके कार्ड के अंदर पेमेंट हो, ठीक है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं. पहले स्टार्टिंग में कुछ रख लेंगे, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा. उसके बाद ये सारी चीज़ें करके आपका जो ऑर्डर है वो आपने कन्फर्म कर देना, यानी नेक्स्ट कर देना जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं. अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे आके ये भी रिजल्ट था एक मेरे दोस्त का, उसने मुझे भेजा था. यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 क्लिक्स के ऊपर इसने भी अच्छा. अब यहाँ पे देखें, अगर एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 600 क्लिक्स हैं और यहाँ पे 100 यानी 150 क्लिक्स हैं और उसके ऊपर ये अर्निंग हुई है. और अगर यहाँ पे भी इतने क्लिक्स आ जाते तो मैं कहता हूँ धमाल मच जाना था. राइट नाउ यहाँ पे CPC भी हालांकि अभी कम मिल रहा है. तो यहाँ पे अब कंपेन जब अब चल जाएगी आपकी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आल कैटेगरीज आएंगी. आपको यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह दिखाई देगा. उसके बाद स्पेंड कितने की हैं, यानी 8 उसने स्पेंड किए हैं, उसमें $8 में उसको जो है यहाँ पे इतने इंप्रेशन, व्यूएबल इंप्रेशन जो है वो मिले हैं. उसके बाद 70 के करीब क्लिक्स मिले हैं. उसके बाद CTR, एक्चुअल CPC यहाँ पे आप देख सकते हैं. कन्वर्जेशन रेट जो है वो, कन्वर्शन रेट जो है वो देख सकते हैं. उसके बाद ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट में आप देखें स्पेंड कितने हुए हैं, $71 यहाँ पे स्पेंड हुआ है और बजट इसका मंथली जो है इतना है. अब ये बिड वगैरह का सीन है, ठीक है, तबूला ऐड ही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कंपेन सारी चल रही हैं. अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आप मैनुअली यहाँ से सारी चीज़ें ऑन ऑफ, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, ठीक है. एक्चुअल CPC आ रहा है. अब देखें यहाँ पे $71 में उसको तकरीबन 1000 के करीब करीब क्लिक्स मिले हैं. तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसके ऊपर उसको कितनी अर्निंग हुई होगी. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट में यहाँ पे देखें पेज व्यूज़ यहाँ पे शो कर रहा है, सोशल मीडिया यहाँ पे दिखा रहा है, सर्चेज है, डायरेक्ट लिंक है, अदर से भी यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, आप अदर से भी थोड़ी बहुत देनी है, सारी आपने जेन्युइन नहीं कर देनी क्योंकि फिर गूगल जो है वो डिटेक्ट कर लेते, क्योंकि हम एडसेंस को यहाँ पे उल्लू बनाने वाले हैं. अब देखो गाइस यहाँ पे टॉप आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ, पेज रियल टाइम व्यूज़, ये देखें रियल टाइम व्यूज़ भी आपको दिखा रहे कि कौन से आर्टिकल पे इस टाइम कितने बंदे लाइव हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है. पेज टुडे जो आज के दिन के यहाँ पे इंप्रेशन गए हैं उनके ऊपर यहाँ पे वो भी आपको दिखा रहा है. तो इस तरह से गाइज आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड इंशाल्लाह मैं अपना ओरिजिनल जो मेरा रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगा. मैं इसके ऊपर वीडियोज बनाता रहूँगा ताकि आपको यहाँ पे जो है जो भी मुझे इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद ही होगी. अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज. सलाम एक बार.